भेड़ू पाको बारामासा उत्तराखंड का ये लोकगीत हर किसी की जुबा पर रचा बसा है। इस लोकगीत की पंक्तियां अब सच साबित होती दिख रही हैं। भेड़ू यानी पहाड़ी अंजीर का स्वाद अब आप साल भर तक ले सकते हैं। पिथौरागढ़ में भेड़ू से जैम, चटनी और जूस जैसे उत्पाद तैयार किए गए हैं। इस काम को करने वाले पिथौरागढ़ कृषि विभाग, जिला प्रशासन और ILSP की टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे पहाड़ी फल औषधि गुणों का खजाना है। पहाड़ों में आसानी से मिलने वाले भेड़ू की बात करें तो इसमें विटामिन सी, प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो भेड़ू का फल न सिर्फ आपका रक्षा कवच है बल्कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है। परेशानी की बात यह है कि प्रकृति के ऐसे कई अनुपम उपहार प्रोसेसिंग के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ का बुनासी ले लीजिए, बहुत होता है मगर जंगलों में बर्बाद हो जाता है। इसी तरह तिमला भी पहाड़ों में बहुत पाया जाता है, लेकिन क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आज चूरे की बाजार में बड़ी डिमांड है। चूरे से उत्पाद बनाने में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पहाड़ों में ऐसे अनेक उत्पाद हैं जो हमारी आर्थिकी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है एक ठोस कार्य योजना की और उन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की। देवभूमि डायलॉग का मानना है कि इस काम में प्रोफेशनल लोगों को लगाया जाए ताकि वोकल फॉर लोकल के नारे को हम सफल बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि डायलॉग।